नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी की क्लोजिंग, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दोनों को देखते हुए और दोपहर को जो वीडियो बनाई थी आप लोगों को याद होगा, 18,160 के आसपास चल रहा था लाइव मार्केट में जो अपडेट दिया था मैंने, उसके बाद से अभी अगर आप देखें जो हमारे सामने क्लोजिंग आई है वो है 18,159 की निफ्टी में। ठीक है, सेम टाइप का एनालिसिस है, कुछ ज़्यादा मुझे इसमें कहना नहीं है, ज़्यादा टाइम में वेस्ट आपका करना भी नहीं चाहता। कल आपको इस जोन में मिलता है, ठीक है, जो पहली बार दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सीधी सी बता दूं, इस जोन में कल आपको बैंक निफ्टी मिलता है 18,100 से लेके 18,050, मुझे लगता है मिलना चाहिए, इसके आसपास एक बार आना चाहिए। वहां पे पोजिशनल बाय कर लीजिएगा मार्केट को, ठीक है, पोजिशनल बाय कर लीजिएगा एटलीस्ट दिसंबर एंड का व्यू लेके। टारगेट 18,600 एंड 19,000, बस सिंपल एसएल है। एनी क्लोजिंग बिलो 17,960 और क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, अगर स्क्रीन पर ये लेवल आ जाता है 17,888, अगर स्क्रीन पे ये लेवल आ जाता है तो क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिट हो जाना है, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है फिलहाल। यहां से मार्केट आएगा, ये मार्केट हमको 18,600 दिखाना चाहिए, पोजिशनल बाय रखिएगा, ये मेरे टारगेट है 18,600, 18,800, 19,000 टिल दिसंबर एंड, और जैन में मैं निफ्टी को 19,500 के अराउंड देख रहा हूं। और ये व्यू बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा अगर निफ्टी 17,800 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाता है और हम इस पोजीशन में से बाहर कब निकल जाएंगे, जब हमें कोई भी क्लोजिंग 17,960 के नीचे मिल जाती है। तेजी मतलब हम भूल जाएंगे कि हमें तेजी करनी है अगर 960 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है और हम ट्रेड में सेल साइड के ट्रेड देखना चालू कर देंगे अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड कर, जो कि मुझे फिलहाल कहीं से भी किसी प्रकार से भी चार्ट पैटर्न को देखते हुए भी नहीं लग रहा है। आप डे वन आवरली चार्ट देखेंगे जिसपे मैंने दोपहर का एनालिसिस किया था, बिल्कुल निफ्टी यही ट्रेड कर रहा था 18,059.60 के राउंड। उसके बाद आप अगर आवरली कैंडल देखेंगे तो ये जोन को तोड़ के इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, तो जैसे ये 18,180 के ऊपर चल पड़ेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसने ये लो अगर तोड़ा तो फिर ये यहाँ पे जरूर आएगा 18,100 से लेके नीचे की तरफ 18,040, यहां छोड़ना नहीं, क्योंकि यहां से रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन है। रिस्क सिर्फ 17,960, रिवॉर्ड्स आपके साथ मैंने अभी डिस्कस कर दी, ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यार बहुत दम दिखा रहा है, बैंक निफ्टी ही एक्चुअली मजबूत है भाई, बैंक निफ्टी में सीधी इसकी, पर मन में जो लालच है ना, मन में लालच क्या है, ठीक है, ये यहां मिल जाए 41,800 से लेके 42,000 के बीच, एक लालच मन में ये है कि इस इन दोनों के बीच में मिल जाए। देखिए मेरा तो सिंपल सा रहता है भैया, रिस्क जहां पे छोटा है मैं तभी कंफर्टेबल फील करता हूं एंट्री करने, यहां से रिस्क डिफाइन नहीं, यहां से रिस्क जो है वो ये है भैया 41,500 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग, तो रिस्क जो है वो बहुत बड़ा है। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 42,346, बेहतरीन एंट्री का लेवल है वो है अगर ये इन दोनों के बीच में मिलता है, ठीक है, अब गाड़ी छूट सकती है तो छूट भी सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर यही है फिलहाल, ठीक है, और मैं सेल करने का कोई कुछ सोचना भी नहीं है दोस्तों। 42,100 के आसपास से मिले ना, यहाँ से लेके इस इन ये 300 पॉइंट में एक एक लॉट बाई करते रहिएगा, जैसे 42,100 आया आप एक लॉट बाई कर लीजिए, ठीक है, फिर 42,000 भी आ गया तो एक लॉट और बाई कर लीजिए, फिर 41,900 आ गया, ठीक है, एक लॉट फिर बाई कर लीजिए, फिर 41,000 अगर भगवान ने चाहा मिला आपको तो एक लॉट बाई कर लीजिए, इस प्रकार से आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट इसके 43,000 प्लस हैं दिसंबर एंड,
इनफैक्ट 43,500 प्लस जो फिलहाल मुझे चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, तेजी का घोड़ा यह बैंक निफ्टी, एक आधे दिन कोई डिप मिल सकता है, अदरवाइज बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इज्जतदार तरीके से ऊपर गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर गया है और सुस्ता रहा है। ठीक है, यहाँ पे सुस्ता रहा है, तो जब तक इस लेवल के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आ जाती 41,300 तब तक व्यू में कोई बदलाव नहीं रहेगा, व्यू बुलिश ही है, बस एंट्री हमें देखनी है हमें कहाँ नहीं। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, कल हल्की सी वीकनेस मिलती है और 50-60 पॉइंट नीचे मिलता है, छोड़िएगा मत, क्योंकि वहां से रिस्क क्या है, 17,960 बहुत बढ़िया रिस्क है, बहुत छोटा रिस्क है, जरूर एंट्री लेनी है वहां से, 19,000 प्लस के टारगेट है बैंक निफ्टी का, और आप अगर जनवरी तक का व्यू लेके चले 19,500। थैंक यू।